नमस्कार प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी 2024 जन्माष्टमी पर इस तरह से करें भगवान श्री कृष्ण का स्वागत। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने का पर्व है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो धर्म में गिरावट और अधर्म में वृद्धि होने पर ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार हिंदू धर्म के चारों युगों में से तीसरे युग द्वापर युग के दौरान हुआ था। जन्माष्टमी का त्योहार उपवास रखकर भक्ति गीत गाकर कृष्ण के जीवन के दृश्यों का अभिनय करके तथा मध्य रात्रि में प्रार्थना करके मनाया जाता है, जिसे उनके जन्म का समय माना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उपाय करने का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष के मुताबिक जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह त्योहार 26 अगस्त को है। इस बार उपाय करने का शुभ समय 25 अगस्त को रात्रि 9:20 से शुरू होकर 26 अगस्त को रात्रि 10:34 तक रहेगा। जन्माष्टमी के दिन उपायों को जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को इस दिन भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस शुभ दिन पर भगवान कृष्ण को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं तथा भक्तगण उनके पसंदीदा व्यंजन का भोग लगाते हैं। इस साल एक अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल के जन्म का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक रूप से खीरा काटा जाता है। इस साल इस समारोह में चांदी के सिक्के का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा लड्डू गोपाल के आगमन पर शंख बजना चाहिए, जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन चीजों को भी करें फॉलो। पूजा कक्ष को ताजे फूलों, दीयों और भगवान कृष्ण की पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों से सजाएं। लड्डू गोपाल को हाथ से बनी मालाओं से सजाएं। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी जैसे पारंपरिक परिधान पहनें। भगवान कृष्ण के लिए भोग और माखन तथा मिठाइयों सहित अन्य विशेष व्यंजन तैयार करें। भगवद गीता या कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित अन्य साहित्य के अंश पढ़ें। हरे कृष्ण मंत्र या भगवान कृष्ण को समर्पित अन्य मंत्रों का जाप करें। भगवान कृष्ण के जन्म के समय मध्य रात्रि तक जागते रहें। जैसे जैसे शुभ समय नजदीक आता है, प्रार्थना ध्यान और भक्ति संगीत में शामिल हों। आज के लिए इतना ही। अगले शंख ध्वनि के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।